हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और कभी से मेरा काम सारा घर का ख़त्म हो गया था। खाना बनाना था लेकिन बनाने का इच्छा नहीं कर रहा, गर्मी इतना ज़्यादा है ना, किचन में जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो अभी बनाऊंगी मैं, और ये सारे कपड़े निकाल दी हूँ मैं सेफ से, अभी सेफ की सफाई भी करनी है। तो उससे पहले बनाऊंगी खाना। खाना तो बन गया होता लेकिन हस्बैंड जी अभी कहीं गए हुए हैं, तो इसीलिए अब चल रही हूँ बनाऊंगी। और ये ऐसे ही चिल्लाती रहेगी, तो चलिए। तो आ गई हूँ अभी मैं किचन में, और दो प्याज है जो वही बड़े बड़े प्याज हैं, तो उन्हीं को मैं काट रही हूँ। और मैं कढ़ी जो बनाती हूँ ना, वो बिना पकौड़ी वाला बनाती हूँ। पकौड़ी बहुत कम ही बनाती हूँ, जैसे 2-4 बार बनाई तो कभी एक आध बार पकौड़ी वाले बना ली, नहीं तो मैं बिना पकौड़ी के ही बनाती हूँ। मुझे पकौड़ी वाले बहुत ही कम पसंद है, वैसे अच्छे लगते हैं वैसे ही प्याज वाज डाल के अपना बना लो तो। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो किचन में मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर प्याज काट रही हूँ, कुछ आप लोगों से बातें भी कर रही थी, और उसी में परी खूब तेज तेज से चिल्ला रही थी, तो इसीलिए मैं म्यूट कर दी थी वहाँ पे आवाज़। और हस्बैंड जी चले गए हैं, किसी के हैं, उनके दोस्त हैं तो उनके किसी काम से चले गए हैं तो उनके साथ, तो इसीलिए मैं लेट बना रही हूँ, नहीं तो बहुत पहले ही बन गया होता। तो चावल बनाई थी तो परी खा ली थी दूध से, मैं भी दूध से ही खा ली थी, और अब बना दे रही हूँ। अब उनके आने का टाइम हो रहा है तो अभी वो बिना खाना खाए ही चले गए थे, थोड़ा जल्दी ही चले गए थे। और वैसे भी हमारा खाना जो है 12 बजे ही बनता है, तो दोपहर में, तो दोपहर में अभी बनाने का मुझे था लेकिन वो चले गए थे कहीं। और इस समय ना सुबह से मेरा कोई भी ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, सुबह या शाम कुछ भी करने का इच्छा ही नहीं करता है, बस कूलर लगाओ और बैठ जाओ आराम से, खाना बना के किसी तरह से खा लो, वही बहुत है। और अभी मैं जो है बाल धुली थी आज ना, तो गर्मी इतनी तेज़ है कि खुले हुए वैसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि सूखा नहीं रहता है, गीला रहता है तब भी गर्मी से अजीब सा होने लगता है सिर, तो इसीलिए। और गर्मी इतनी तेज़ है तो पहले मैं बालों को बांधूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी खाना। और घर पे कोई है नहीं तो यहाँ पे अच्छा भी अभी नहीं उतना लगता है, तो देखिए हमारी जिठानी जी भी कब आती हैं, 2-4 दिन में आने वाली हैं, जब मन करेगा उनका आ जाएंगी। उनकी आज मतलब फ़ोन की थी तो वो ये छोटी वाली लड़की रो रही है, चाचा जी के पास जाऊंगी, उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, छोटी वाली जो है। और यहाँ परी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी याद करती रहती है उन सबको, बहुत रोती रहती है, अकेले पड़ जाती है ना, तो इसीलिए। और यहाँ 2 पैकेट में लेके आए हैं मट्ठा, क्योंकि कढ़ी हमारा जो है ना थोड़े खट्टे मट्ठे का बनाइए या दही का बनाइए तो थोड़ा खट्टा रहता है ना, तभी अच्छा लगता है, तो एक जो है उतना खट्टा नहीं है, वो ताज़ा है, तो इसीलिए दूसरे जगह मतलब थोड़ा सा दूसरे जगह से भी लेके आ गए थे जो कि थोड़ा खट्टा है, तो इसीलिए 2 जगह लेके आए हुए थे, तो थोड़ा सा रख दे रही हूँ मैं, और बाकी का बना लूँगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे भी एक ही सब्ज़ी 2-3 टाइम खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये तो वैसे भी 2 टाइम हो जाएगा अभी दोपहर का, और फिर शाम में भी यही चल जाएगा हमारा कढ़ी ही, तो फिर इसके बाद तो अच्छा ही नहीं लगता है, और खाने वाले हम 2 ही हैं। तो इसमें जो है सारे मसाले मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ, आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं, बिना मसाले के बनाते हैं, मतलब कि कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारे मसाले थोड़े थोड़े डालती हूँ। और जो है तड़के में जीरा और हींग और जो है हरी मिर्च, लाल मिर्च और जो है मेथी, हाँ इतने चीज़ का मैं तड़का देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है हमारा कढ़ी। और नमक जो है ना सबसे लास्ट में डालते हैं, नहीं तो कढ़ी वैसे भी हमारा फटने का डर ही रहता है, और वैसे चलाते रहिए तो नहीं फटता है, लेकिन फिर भी नमक जो है ना लास्ट में डालती हूँ मैं, जब एकदम पकने को आ जाता है तभी मैं डालती हूँ नमक, उससे पहले नहीं डालती हूँ। तो इसमें बेसन वसन डाल के और अच्छे से घोल बना ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर तड़का जो है मेरा वो भी हल्का ब्राउन हो रहा है, तो प्याज जो है पहले प्याज को हम भूनेंगे, तो अभी तो इसे घोल बना के और अच्छे से एक साइड में रख दूंगी, और प्याज जो है उसे भून दूंगी।
और कढ़ी वढ़ी जो है ये सारे चीज़ें मुझे नहीं आता था बनाने पहले, शादी से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ बनता ही नहीं है मायके में ये कढ़ी, हमारे यहाँ नहीं बनता है। बनता है तो सिर्फ बेसन के घोल का ही बनता है, तो इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी खाऊंगी हूँ कढ़ी, अभी प्याज जो है भूनते रहेगा और मैं किचन में रुकी हूँ, नहीं थोड़ा सा कमरे में जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एकदम देखिए आप लोग पसीने पसीने हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी होने लगा है। तैयारी कर दी थी मैं खाना बनाने का 11 बजे ही, लेकिन तब से अभी तक खाना अब बना रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है कि मतलब किचन में घुसने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। बनाना तो पड़ा रहा था लेकिन हस्बैंड जी थे ही नहीं, वो चले गए थे कहीं, तो इसीलिए अभी चल रही हूँ बनाऊँगी। और अभी जो है हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, बाहर जाके बैठ गई थी मैं, बीच बीच में आ के देख रही थी, लो फ्लेम पे करके छोड़ दी थी। और जो है अभी घोल अच्छे से एकदम अभी घोल के और इसमें डाल देंगे, और इसके बाद ना थोड़ा एक दो मिनट तक बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि हाथ रोकना नहीं रहता है बिल्कुल भी, एकदम ही चलाना रहेगा नहीं तो कढ़ी जो है हमारा फट जाता है। अभी कल नहीं परसों हस्बैंड जी बना रहे थे कढ़ी और पता नहीं वो चला रहे थे कि क्या किए, तुरंत ही कढ़ी फट गया, पूरा फेंकना पड़ गया था, तो इसीलिए एक भी मिनट इसे मतलब मिनट की बात छोड़िए, एक भी सेकंड के लिए ऐसे छोड़ते नहीं हैं, चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने से पहले हम नहीं छोड़ेंगे चलाना, नहीं तो फट जाएगा कढ़ी। और उसके बाद ये देखिए हमारे कूलर का हाल क्या हो गया है, लो फ्लेम पे करके छोड़ दी हूँ, अच्छे से उबाल आ गया था मेरे कढ़ी में। तो ये देखिए काजल जो है, कल मैं सो गई थी दोपहर में थोड़ा सा, और परी देखिए क्या हाल की है हमारे कूलर का, गलती उसका नहीं है मेरा ही गलती है क्योंकि मैं यहाँ पे काजल इसे लगाई थी नहला वाला के बाल लोल मतलब जो है ना नहला के और काजल वजल लगा के वह इसी पे रख दी थी कूलर पे ही, इसीलिए ना और इसे मिल गया था और खाट जो है हमारे खाट के पास ही कूलर लगा था तो ये खाट पे चढ़ी थी तो इसे मिल दिख गया होगा तो खाट से ही ये उतार ली थी और इसमें खाट पे ही खड़े खड़े इस पे सारे लगा दी है, तो गलती इसका नहीं मेरा है। अगर मैं उठा के अंदर रख दी होती तो फिर नहीं ये पोत पाई होती, लेकिन मैं ही छोड़ दी थी इस पे, तो ये तो बच्ची है इसे क्या पता, तो बस इस पे जब सारे में लगा ली थी तब जाके मुझे बुला रही है मम्मी जी और ये देखो मैंने क्या कर दिया। और अपने पापा जी को भी पूरा लगा दी थी, मतलब बलियान पहन के सोए थे उनके बलियान में सारा लगा दी थी इसने, वहीं पे बाहर ही सो गए थे, ये भी सोई थी अपने पापा जी के साथ ही बाहर खाट पे कूलर लगा दी थी और ये दोनों वहाँ सो गए थे और मैं अंदर टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते सो गई थी मैं, तो फिर ये अपने ऊपर भी लगा ली, कूलर पे भी लगा दी और अपने पापा जी को भी लगा दी, तो फिर आके मुझे बता रही है बाद में, तो फिर मुझे कल टाइम ही नहीं मिला, मैंने इसे साफ ही नहीं की क्योंकि मुझे पता था ऐसे तो ये कपड़े उपड़े से छूटेगा नहीं बिना सर्फ़ लगाए, तो डिटर्जेंट पाउडर लगा के और अच्छे से पूरा ही धुल दे रही हूँ कूलर को, वैसे भी गर्दे वर्दे जमे रहते हैं और इसी बहाने इसे धुल भी दे रही हूँ जो कि अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये मान नहीं रही है, देख सकते हैं आप लोग आगे पीछे लगी रहती है, सुबह से 2-4 बार नहा चुकी। तो लो फ्लेम पे करके ऐसे ही छोड़ दी थी, अभी कढ़ी मेरा हो गया, कढ़ाई में बना रही थी तो कढ़ाई में हुआ नहीं ज़्यादा हो गया था तो इसीलिए इसमें भगोने में कर दी हूँ। और अभी जो है कूलर को भी साफ़ कर दी हूँ, कल ही इसने कर दी थी उसे पूरा ख़राब, तो इसीलिए और ना 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि ना पता नहीं क्यों मेरे आँखों में ना एक खुजली हो रहा है, यहाँ भी यहाँ दोनों आँखों में ऊपर से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब देखा नहीं जा रहा था और इसीलिए नहीं बना रही थी। और एक चीज़ और यहाँ पे जल गई थी मैं, ये देखिए अब जल गई थी, कुकर में चावल बना के रखी थी तो कुछ ले रही थी, बस कुकर में ही हाथ सट गया मेरा तो थोड़ा सा जल भी गई थी इसीलिए। और ये देखिए आप लोग कढ़ी अच्छे से पक गया है, जब मतलब कढ़ी का मतलब यही है कि खूब अच्छे से जब तक पक नहीं जाता है तब तक मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो एकदम ही अच्छे से ये पक चुका है, कभी से ये बन रहा था इसी पे, ऐसे ही लो फ्लेम करके छोड़ दी थी मैं। और उसके बाद हस्बैंड जी से मंगाई हूँ मैं चीनी, और चावल भी ख़त्म हो गए थे और चीनी भी, तो 5 kg ही चावल लेके आए हैं क्योंकि इधर से ही लेके आए थे, तो जो है बासमती चावल का ना जो हम बड़े मार्केट से लाते हैं
तो वहाँ और यहाँ लोकल शॉप से लेकर आएंगे ना तो 10 रुपये का फ़र्क रहता है। वो सब वहाँ से लेके आते हैं तो काफ़ी महंगा यहाँ पे देते हैं, और वही जो है चावल वहाँ से लाएंगे तो 10 रुपये का अंतर होता है। तो इसीलिए 5 किलो ही लेके आए हैं, और बाकी जो है बोल रहे थे जाऊँगा तो इसीलिए अभी रख दे रही हूँ। और जो है ना ये चीनी भी उस दिन हम नहीं लेके आए थे मॉल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, पूरा कट्टा भर चुका था, तो इसीलिए वहाँ से चीनी भी नहीं लेके आए थे। तो चीनी भी ख़त्म हो गया है, तो अभी 5 kg चीनी भी लेके आ गए हैं। 5 kg से कम आता ही नहीं है, क्योंकि फिर छुट्टी हो जाता है ना ज़्यादा दिन से, दिन का एक ही बार ले आ लो तो फिर आधे किलो एक किलो ऐसे लाओ तो फिर बार बार लाना पड़ता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक ही बार लेके आ गए थे। और मेरे साथ साथ जो है परी भी मेरा हाथ बटाती रहती है, मैं चाहे इसे मार लूँ, डांट लूँ, मतलब कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये मुझे परेशान करके ही छोड़ेगी और काम बढ़ाती रहेगी कितना भी मैं इसे डांट लूँगी। और अभी मैं खाना भी खाऊँगी, भूख भी लग रहा है दोबारा से मुझे, क्योंकि दूध चावल बच्चे तो बच्चे हैं खा लेते हैं, हमारा पेट थोड़ो ना बढ़ता है। तो अभी कढ़ी भी बन गया है तो अभी मैं खाऊँगी, पहले ये सब सारे सामान जो है ना उठा के रख दूँ, नहीं तो फिर चीनी उनी में चींटी घुस जाएंगी। और चूहे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा चूहे भी। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, और इसे मैं बोल रही हूँ खाने के लिए, तो ये खा तो नहीं रही है, चम्मच ले ली है लेकिन खा नहीं रही है, बस इसे अपने हाथ से मतलब बिखेरना है, खाना नहीं है, बस यही काम है बच्चों का। तो सभी घर के बच्चों का यही हाल होता है। तो और जब से खाट आया तो बहुत आराम मिलता है, क्योंकि यहाँ चौक में ही कूलर लगा लो और आराम से इसी पे बैठ जाओ तो अच्छे से हवा चलती रहती है। और अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ बनाने, शाम का टाइम हो गया है, जो कि ये गेहूँ कली धुल दी थी मैं, तो हस्बैंड जी ले गए थे छत पे डाल दिए थे, और घर पे थे ना तो ज़्यादा ही धुली थी मैं, हस्बैंड जी घर पे थे तो मैं सोची कि वही चढ़ा देंगे छत पे, तो मतलब चढ़ा दिए थे, तो जो है दिन की ड्यूटी थी इनकी तो फिर रात की, तो इसीलिए चढ़ा दिए थे, तो दिन में घर थे तो ज़्यादा ही धुल दी हूँ, ताकि 1 महीने तक आराम से चल जाएगा। तो बस इनमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा फटक के बीन के देख ले रही हूँ, और धुलने के बाद तो वैसे भी ये साफ़ हो जाते हैं, लेकिन एक आधा कड़ी उकड़ी रह जाते हैं, तो वही सब देखना भी ज़रूरी होता है। तो चैनल पे जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए आप लोग, और पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे ही न्यू ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो घर का ही जो मेरा रहता है ब्लॉग वो घर का ही रहता है। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।